तो गाइस ईयरबड्स का मार्केट जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप में आ चुका है, और इससे पहले जो है वो नेकबैंड जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप में आया था। बट यहाँ पे अब उसको भी जो है वो डिसओन करने के बाद अब लोगों ने जो है एक्सेप्ट किया है TWS ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। यहाँ पे हर कंपनी अपने अपने TWS को लॉन्च कर रही है, तो इन्फिनिक्स की तरफ से भी आज आपको एक TWS देखने को मिल रहा है अंडर 2000 रुपीज़ में, इन्फिनिक्स XC27 TWS। ये जो ईयरबड्स है इसको मैंने जो है वो कंपेयर किया है रियलमी के बर्ड्स T300 के साथ। इन दोनों में जो है वो 300 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है, बट इस प्राइस डिफरेंस में आपको बहुत अच्छे स्मार्ट डील आपको मिलने वाला है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो वीडियो में मैं आपको आगे बताता हूँ। सो गाइस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो भी है आपको स्पेक्स दिख रहा होगा। 10mm का जो है वो डायनेमिक ड्राइवर आपको इन्फिनिक्स में मिलता है, एंड 12.4mm का डायनेमिक ड्राइवर आपको रियलमी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो वो ड्राइवर साइज वगैरह या फिर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन 25 dB इन्फिनिक्स में मिलता है, 30 dB रियलमी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पेक्स है वो पूरा आप स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे स्पेक्स देख सकते हैं, इसमें आपको सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस दोनों मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस हैं। तो इतने ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों ईयरबड्स में, और सिर्फ 300 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर आप 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करते हैं और वो भी विदाउट सेल, अगर आप सेल का वेट करते हैं तो इस ईयरबड्स का भी प्राइस जो है वो 2000 रुपीज़ आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.4mm का डायनेमिक ड्राइवर मिलता है, 30 dB का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलता है रियलमी में, प्लस इसमें आपको 40 आवर का बैटरी बैकअप मिलता है, 10 मिनट चार्ज करने पर 7 आवर का बैटरी बैकअप। यहाँ पर आपको इसमें 50mAh का लो लैटेंसी भी देखने को मिलेगा, IP55 का वाटर रेजिस्टेंट, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट, गूगल फास्ट पेयर आपको इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन 360 स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे दो डिवाइस में कनेक्ट करने का फीचर भी इसमें दिया गया है। इसमें आपको 3 color ऑप्शन मिलते हैं जिसका प्राइस है वो है 2299 रुपीज़। सो गाइज इतने सारे डिफरेंसेस के बाद और इतने सारे एक अच्छे जो है वो हार्डवेयर अपग्रेड के बाद यहाँ पे जो ऑडियो कोड्स है वो भी आप देख सकते हैं। SBC आपको सिर्फ सिंगल ऑडियो कोड मिलते हैं इन्फिनिक्स XC27 TWS में, और रियलमी में आपको जो है वो SBC एंड AAC डुअल ऑडियो कोड्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हर पैरामीटर पे आपको रियलमी बर्ड्स T300 जो है वो बेटर परफॉर्मेंस और बेटर रिलायबिलिटी भी जो है वो देने वाला है। सो गाइज यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करने के बाद अगर आप कन्फ्यूज थे कि इन दोनों में से कौन से ईयरबड्स परचेस करना चाहिए, तो अगर आप सेल का वेट करते हैं तो दोनों ही अंडर 2000 रुपीज़ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको अभी ही परचेस करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं तो आपको मिलेगा रियलमी बर्ड्स T300, और ये जो ईयरफोन है वो बेटर है इन कम्पेयर टू इन्फिनिक्स XC27 TWS। सो गाइज ऐसे और सारे कंपेरिजन वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी सजेशन हो, वीडियो सजेशन, या कोई टॉपिक हो जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ या वो इंटरनेट पे आपको नहीं मिल रहा हो, तो उस पे मैं रिसर्च कर वीडियो आगे बनाऊँगा। एंड गाइज वीडियो के एंड में मैं स्क्रीन में और सारे वीडियोज़ के लिंक मैं दे दूँगा वीडियोज़ पे, तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं।